आप सबको। अब हम लोग आज एक अच्छा सा गद्य और पद्य में से पद्य की कविता पढ़ेंगे, कक्षा नवीं की। पाठ्यपुस्तक के भाग होते हैं, एक है गद्य और दूसरा है पद्य। हिंदी साहित्य के इतिहास में चार काल माने जाते हैं, रीतिकाल, वीरगाथा काल, आधुनिक काल, भक्ति काल। तो आज हम भक्ति काल के कवियों में से रैदास नामक कवि की बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। रैदास के पद नामक कविता से, पद से हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे। रैदास का जन्म, उन्हें संत रविदास कहा जाता है, जन्म 1388 में हुआ और मृत्यु 1518 में हुई। यहाँ पर पुल्लिंग है और मृत्यु स्त्रीलिंग है। ऐसा माना जाता है कि इनकी ख्याति में प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने इन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था। निमंत्रण देना यानी किसी को अपने यहाँ। सिकंदर लोदी दिल्ली के राजगद्दी पे राज्य किया करते थे। उन्होंने रैदास जी को अपने यहाँ राज्य में रखने के लिए निमंत्रण भेजा था। कबीर की तरह रैदास भी संत कोटि के कवियों में गिने जाते हैं। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे दिखावे में रैदास का जरा भी विश्वास न था। वह व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारों को ही सच्चा धर्म मानते थे। व्यक्ति की भाईचारा, भाईचारा यानी कौन सा भी या किसी भी धर्म को नहीं मान, सभी मनुष्य एक समान रूप से होते हैं। रैदास ने अपने काव्य रचना में सरल व्यवहारिक ब्रज भाषा, यहाँ पर भाषा दिया गया है, रचना में काव्य रचना में सरल ब्रज भाषा का उपयोग किया है। रैदास के पद में हमें जहां तक उपमा और रूपक अलंकार के द्वारा इन्होंने अपने पद को लिखा है। यह अलंकार, अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार अर्थालंकार। उपमा और रूपक अलंकार इन पदों में दिखाई या झलक पड़ती है। फारसी के शब्दों का भी मिश्रण है। रैदास को उपमा और रूपक अलंकार विशेष प्रिय रहे हैं। सीधे साधे पदों में संत कवि ने हृदय के भाव बड़ी सफाई के साथ प्रकट किए हैं। इनका आत्मनिवेदन, दैन्य भाव्य और सहज भक्ति पाठक के हृदय को उद्वलित करते हैं। यहाँ रैदास के दो पद लिए गए हैं, रैदास जी के यहाँ पर दो पद लिए गए हैं। पहला पद है प्रभु को अपनी भक्ति के बारे में बताना। अब मैं आपको पहला पद पढ़ती हूँ। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बस बास समानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चित्तवत चंद चकोरा। यहाँ कवि रैदास जी कह रहे हैं, हे प्रभु मैं क्या हूं, मैं चंदन और
चंदन है और मैं पानी हूँ। दोनों मिलने के बाद उसकी सुगंध चारों ओर फैल जाती है। जैसे यहाँ पर दूसरे इसमें घन और मोर, घन यानी बादलों और मोर यानी पक्षी का नाम है। तो पक्षियों जैसे ही घने बादल छा जाते हैं, काले काले बादल, तब मोर नाचने लगता है, प्रभु जी आप घन हैं तो मैं मोर हूं। दूसरे पंक्ति में कवि रविदास जी ने यह बताया है। तीसरे पंक्ति, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोना ही मिले सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रदासा। यहाँ पर प्रभु जी तुम तीसरे पद में दीपक, आप दीपक हो और मैं बाती, जो दिन रात रोशनी फैलाते हैं दोनों मिलने पर, और प्रभु जी आप मोती और मैं छोटा सा धागा। तो मोतियों में, मोतियों को धागे से पुराया जाता है, यानी भक्त की तुलना इस प्रकार से की है रविदास जी ने, और ईश्वर की तुलना इन सब चीजों से की है, चंदन, घन, दीपक, मोती, और स्वयं अपने को या भक्त को पानी, मोर, बाती, धागा। पहले पद में। दूसरा पद, ऐसी लाल तुझ बिन कानू करे गरीब निवाजो, गोसाई मेरे माथे छत्र धरो। दूसरे पद में रविदास जी यह कह रहे हैं कि चाहे वो कितना भी गरीब या व्यक्ति हो, उसके सर पर आपकी कृपा या आपकी छाया, छत्र छाया हो तो वो बहुत धनी या अमीर बन जाता है। जाकी ज्योति जगत कहु लागे था, पर तू ही डेरा नीच ऊच करे मेरा गोविंद, काहु ते न डरे नाम देव कबूरो, तिलोचन सदना सैन तरे, कही रही दास सुनयु रे संत हरि जियु ते सब सरे। दूसरे पद में बड़े बड़े संत महात्मा लोगों के बारे में कवि यहाँ पर हमें बता रहे, जैसे कि गरीब निवाजु, यानी जो व्यक्ति बहुत ही गरीब और निवाजु दीन दुखियों पर अगर दया करना चाहते हैं तो आपकी दया से दीन दुखी भी उज्जवल हो सकता है। जैसे यहाँ पर नामदेव का नाम लिया है, नामदेव महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध, नामदेव महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध संत, कवियों में इनकी तुलना की जाती है। ये मराठी के कई काव्य रचना की है इन्होंने। और सदना, सदना एक उच्च कोटि के संत है जो नामदेव के समकालीन माने जाते हैं, ये एक उच्च कोटि के संत माने जाते हैं। सैनु, ये भी एक प्रसिद्ध संत है, गुरु ग्रंथ साहब में संग्रहित पद के आधार पर इन्होंने रामनाथ संत की समकालीन माना जाता है, समकालीन यानी उनसे तुलना की जाती है। त्रिलोचन, त्रिलोचना एक प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य जो ज्ञानदेव और नामदेव के गुरु थे। ये कौन थे? ये त्रिलोचन गुरु थे, नामदेव और ज्ञानदेव के। और एक बार आप लोगों को, सबको मैं सारांश बताना चाह रही हूं। पहले पद का सारांश देखिए, प्रभु हमारे मन में जो आपके नाम की रट लग गई है वह कैसे छूट सकती है? जब तो मैं तुम्हारे पास भक्त हो गया हूँ, तुम्हारा अनन्य प्रेम हो गया हूँ, तुम में और मुझ में वही संबंध स्थापित हो चुका है जो चंदन और पानी में होता है। जैसे चंदन के संपर्क में रहने से पानी में
अपनी सुगंध फैल जाती है। उसी प्रकार मेरे तन मन में तुम्हारे प्रेम की सुगंध व्याप्त हो चुकी है। मैं पानी हूँ और तुम चंदन हो। प्रभु जी, तुम आकाश में छाए काले बादलों के समान हो और मैं जंगल में नाचने वाला मोर के समान हूँ। जैसे वर्षा बरसाते बादलों को घुमड़ते देखकर मोर खुशी से नाचने लगता है, अपनी प्रसन्नता को छलकता है। जब वो खुश होकर प्रसन्न होकर नाचता है तो सभी के मन आनंदित होकर पुलकित होकर खुश महसूस करने लगते हैं। उसी भांति मैं आपके दर्शन पाकर खुशी से भवमुग्ध हो उठता हूँ और उस मोर की तरह मैं भी नाचना चाहता हूँ आपके दर्शन पाने के बाद। जैसे चकोर पक्षी सदा अपने प्रेम पात्र चंद्रमा की ओर ताकते रहता है। यहाँ पर चकोर एक पक्षी का नाम है जो चंद्रमा को देखते रहता है, क्योंकि चंद्रमा उसके प्रेम के लिए, चंद्रमा को देखने से ही उसकी आत्मा को शांति मिलती है, इसीलिए यहाँ पर चकोर की तुलना की गई है। उसी भांति मैं भी सदा तुम्हारे प्रेम पाने के लिए तरसता रहता हूँ। तुम चंद्रमा हो तो मैं चकोर। चितवत, चितवत का अर्थ है देखना। दूसरा पद, एक पद में तो भक्त और प्रभु की तुलना यहां पर की गई, अब दूसरे पद में, हे प्रभु तुम दीपक हो, मैं तुम्हारी बाती हूं, मैं बाती के समान सदा तुम्हारे प्रेम में जलता रहता हूं। तुम्हारे प्रेम की चमक दिन रात मेरे मन में समाई जाती है। प्रभु जी, तुम मोती के समान उज्जवल, पवित्र और सुंदर हो। मैं उसमें पिरोया हुआ धागा हूं। मेरा तन मन तुम्हारी ही कांति से ओत प्रोत है। तुम्हारा और मेरा मिलन सोने पे सुहागा मिलन के समान पवित्र है। जैसे सुहागे के संपर्क में आकर सोना और अधिक खरा हो जाता है, यानी कि उसी भांति, यानी तांबा जो रहता है, तांबे में हम थोड़ा सा सोना डालेंगे तो सोने तांबा दिखाई नहीं देता है, सोने की चमक ऊपर आ जाती है। उस तरह यहाँ भक्त प्रभु से मिलकर ऐसे प्रभु की दया पाने के लिए बता रहा है। उसी भांति मैं तुम्हारे संपर्क में रहने से शुद्ध बुद्ध हो जाता हूँ। हे प्रभु जी, तुम मेरे स्वामी हो और मैं तुम्हारे दास हूँ, सेवक हूँ, मैं रविदास हूँ। तुम्हारे चरणों में इसी प्रकार की दास्य भक्ति अर्पित करना चाहता हूं। दूसरा भाव, पालिता को स्वीकार करते हुए कहते हैं, हे प्रभु तुम्हारे बिना कौन ऐसा कृपालु है जो भक्त के लिए इतना बड़ा कार्य कर सके। तुम गरीबों पर तथा दीन दुखियों पर कृपा करने वाले हो। तुम ही ऐसे कृपालु स्वामी हो जिससे जैसे अछूत और नीच जाति के लोगों को भी, राजाओं को भी छत्र छाया में रखा हुआ है। तब अर्थात तुम ही ने मुझे राजाओं जैसा सम्मान प्रदान किया। मैं वह अभागा हूँ जिसको छूने मात्र से सारे संसार को दोष लगता है। तब भी हे स्वामी, तो तुमने मुझ पर असीम कृपा की, मुझ पर द्रवित हो गए हो। गोविंद, तुमने मुझे जैसे नीच प्राणी को इतना उच्च सम्मान प्रदान किया, सचमुच तुम्हें किसी का भी भय नहीं है। तुम्हारी ही कृपा से नामदेव जैसी छिपी, कबीर जैसे जुलाहे जाति के और त्रिलोचन जैसे सामान्य जाति के, सदना जैसे कसाई जाति के और सैन जैसे नाई जाति के संसार से तर गए हैं, यानी संसार में उच्च कोटि के बन गए हैं आपकी ही छत्र छाया से। उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। रविदास कहते हैं, हे संत सुनो, हरि जी सब कुछ करने पे समर्थ है, वे कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ निम्न जाति के लोगों को, दूसरे भाव में निम्न जाति के लोगों को किस तरह से प्रभु उच्च कोटि के बनाकर, संत बनाकर संसार में उनका नाम रोशन किया है। तो देखिए यहाँ पर कुछ
व्याकरण की दृष्टि से यहां अंक आए हैं। पानी पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द पानी, नीर जल, मोर मयूर, दीपक दीप, रोशनी घन बादल, चांद चंद्रमा, चंद्र चांद, आसमान अंबर, आकाश इस तरह कविता यहां कुछ भाषा भाग दिया गया है टेक्स्ट बुक में आपके कुछ पर्यायवाची शब्द और कुछ तुकातक शब्दों के द्वारा बनाया गया है। नीचे लिखी पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। कविताओं में दोहों में कुछ पंक्तियां दी जाती है तो वहां उस उन पंक्तियों का भाव स्पष्ट करने को कहा जाता है। तो भाव स्पष्ट करने से पहले प्रसंग यानी प्रस्तुत पंक्ति या प्रस्तुत दोहा या प्रस्तुत पद हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी स्पर्श भाग से एक से लिया गया है। इस पाठ का नाम है रैदास जी और इसके कवि है रैदास जी, बोलकर लिखना। संदर्भ में जो उन पदों में उन पंक्तियों में या उन दोहों में जो कुछ चल रहा है उसे यहाँ पर लिखा जाता है। और भाव, इन दो पंक्तियों का भाव कवि अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त कर रहा है वो हम अपने शब्दों में लिखकर बताना है, तब जाके ये पूरा इन पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए, भाव स्पष्ट कीजिए, ये सब यहाँ पर आ जाता है लिखने से। और कुछ प्रश्न पूछे जाए जैसे कि रैदा पद किसने लिखा, पहले पाठ का पद किसने लिखा, पद बोल के दिया गया है पहला पाठ, तो वहां पर रैदास जी ने लिखा है, पहले पाठ का पद रैदास जी ने लिखे हैं। रैदास जी के गुरु ग्रंथ साहब में इनके 40 पदों का संग्रहित मिलता है हमें रैदास जी के। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। भक्त की तुलना कवि ने किससे की, तब हम लोग कौन सा भी ये प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं आप, या चंदन या पानी या घन या मोर दीपक या बाती या मोती या धागा। कवि ने नामदेव सदना को उच्च कोटि तक कैसे पहुंचाया, अगर प्रश्न आया तो आप लोग उनकी छत्र छाया, रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु हमारी छत्र छाया आप पर रहे तो हम नीच जाति के होते हुए भी उच्च कोटि के संत कहलाते हैं, इस तरह उन पर बताया। अगर आपको नामदेव के बारे में ही लिखना है तो आप लोग महाराष्ट्र के कवि संत कवियों में इनकी प्रसिद्ध तुलना की जाती है तो इन्हें लिख सकते हैं। तो प्रश्न किसी भी तरह से पूछ सकते हैं, या पाठ्य पुस्तक के भी पूछ सकते हैं या पाठ्य के मध्य से भी पूछा जाता है। तो पाठ समाप्त हो गया, धन्यवाद।